यह पतंजलि ग्रामोद्योग का एक छोटा सा सीड बैंक है। अब इसको और बड़ा रूप दिया जा रहा है। यहाँ अलग अलग प्रकार के जो धान हैं, अलग अलग प्रकार के, फिर गाजर से लेकर के, और गाजर, ये धान है हमारा देश में, गेहूं है ओहो, इसमें, ये गेहूं है, जी हमारा जी और गेहूं ये सब बीजों को नीम के पत्ते उनमें संरक्षित किया जा रहा है। नीम के पत्ते रख देते हैं इसमें, इससे इनमें कीट नहीं लगता है। ये जो है गजानन गजानंद, जो जो है गेहूं की प्रजाति है, तो गेहूं के बीज हैं, धान के बीज हैं, फिर अलग अलग शाक सब्जियों के बीज हैं, यहाँ पर ये लौकी के बीज हैं, अलग अलग जो किसान, जो देसी प्रजातियों जिन्होंने संरक्षित की हुई है, उनसे जो है पूरे देश भर से इनको कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उनको आगे यहाँ बढ़ाया जा रहा है। जैसे हमारे भाई सुभाष शर्मा जी हैं, उन्होंने एक कद्दू से निकाला जो है बीज 70 ग्राम, और एक कद्दू का वजन 28 किलो, और ये जो है इसका यहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो लोबिया और तमाम जो फसलें की जा रही हैं उनको भी फिर कलेक्ट करके रखते हैं, लोगों को सिखाने के लिए और पूरे रिसर्च के लिए भी, कि एक एक जो है फली के अंदर कितने दाने हैं। और यहाँ पर भाई अमरजीत जी हैं, उन्होंने लौकी का बीज भेजा है, ये ऐसे लोबिया का बीज है, और ये धान की प्रजातियाँ ज़्यादा, रघुवंशी जी, और गेहूं की भी प्रजातियाँ भाई रघुवंशी जी जो बनारस के हैं, और ये फिर और क्या क्या है इसमें। और महाराज जी इसमें हमारी मूंगफली भी है, मूंगफली यहाँ हमने लगाई थी उसका है, अच्छा, लोबिया का मूंगफली भी हमारे नीम के पत्ते हैं, गोभी भी जो अपने यहाँ पर प्रजाति जो है ये कुछ को तो नीम के पत्ते तो सभी में डाल करके उनको संरक्षित, इससे कीड़ा नहीं लगता जी है, महाराज जी नीम के और पत्ते लोग और केमिकल्स रखते हैं कोई जो है, क्या क्या रखते हैं लोग लोग अक्सर। अक्सर केमिकल में वेबस्टीन का प्रयोग करते हैं, वेबस्टीन होता है, स्टेप्टोसाइक्लिन का सॉल्यूशन होता है, और वो बहुत से लोग डीप फ्रीजर में रखते हैं जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे 4 से 6 तो डिग्री आप लोग सेंटीग्रेड। यहाँ नीम से हाँ में रख नीम रहे के हो तो पत्ते उसमें कोई आराम दिक्कत से, नहीं। कोई दिक्कत नहीं आती है महाराज जी, इनको सुखाना पड़ता है, एक नियमित अंतराल पर धूप देनी पड़ती है जिससे कि वो जो छोटे छोटे मॉइस्चर मॉइस्चर, उसमें ना रहे, जी तो ये मूंगफली के छह भी बीज। परसेंटेज तक मॉइस्चर इसमें रहे तब तक बीमारी नहीं आती, 6 के बाद मॉइस्चर बढ़ जाएगा तो इसमें बीमारी आएगी। इसमें उड़द के हैं हमारे पास, चने का है, कई प्रकार यहाँ के रखे हैं हैं जी, ये उड़द का भाई है सुखवीर प्रजाति, जी, और राजवीर ये जी, उड़द का प्रजाति काला उड़द है हमारे पास का, काला उड़द ये सूरवीर जी द्वारा ओ वहाँ से बिजनौर की एक किसान भाई है बहुत जागरूक उनका। तो ये उड़द जो है मैंने भी पहली बार देखा इस तरह का उड़द, तो ये इसमें नीम के पत्तों में इसको संरक्षित किया जा रहा है। और कितने परसेंट तक जो है आपने बताया, छे छह छे परसेंटेज तक मॉइस्चर है जो तब तक नमी ये रहती नमी है रहे, तब तो तक खराब उसमें नहीं होता। खराब नहीं होता, 6 से ज्यादा नमी आ जाएगी वैसे ही खराब होना प्रारंभ हो जाता है, उसमें कई प्रकार के कीड़े लगने प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसको आप ध्यान रखते हो, उसको चेक करते ध्यान रहते रखते हो। चेक करते हैं, फिर उनको एक समय पर अगर ज्यादा मॉइस्चर लगा दांत से चबा के देखते हैं कि थोड़ा गीला हुआ तो उसको फिर धूप दिखा देते हैं, और उसके और बाद फिर फिर लैब में हम भी चेक करते लैब रहते में भी हैं। चेक करते हैं हमारा लैब मूंगफली में उसमें। क्या बता रहे थे आप? मूंगफली की प्रजाति है हमारी काफी अच्छी प्रकार की लोकल प्रजाति है एक, उसको हम लोगों ने यहाँ पर जैविक तरीके से उगाया हुआ था, तो बीज के लिए हम लोगों ने हमने रखी हुई है इसको, ये अच्छा, बीज अंगी ये साइकिल तो को जो है अब क्या नाम है इसमें तो वो नहीं है ना अभी, जो है ये तो भुनी भी नहीं है भुनी ना। हुई नहीं है, बीज के लिए रखी महाराज जी, इसका बीज के लिए भून के नहीं रखते हैं, इसको कच्चा रखना पड़ता हाँ है वो जी, तो भून के तो खाते हैं खाते लोग, हैं जी, तो ये जो है अपने ही तैयार की गई, हम क्योंकि अपने यहाँ तैयार की हुई है महाराज जी। यहाँ जो है हाँ जो कई जगह ऐसे खेत हैं जिस अमूमन जहाँ। जो बीज होता है उसमें दो, इसमें तीन तीन दाने तक आते हैं, और दाने भी जैसे हैं तो बहुत हेल्दी दाने हैं ये दोनों, हाँ काफी देख हेल्दी सकते दाने हैं। इसमें हैं, और इसका जर्मिनेशन भी बहुत हाँ अच्छा है महाराज जी, ये जो हमारा है ये लगभग जो है 89% तक जर्मिनेशन देता है, 89% एट्टी तक, नाइन 89% तक जर्मिनेशन है इसका, ओ तो काफी ये जो सक्सेस हुई मूंगफली है है खाने में बहुत टेस्टी है, जी महाराज जी तो दो दो तीन तीन दाने एक एक मूंगफली में, जी और वो भी काफी स्वस्थ दाने और काफी है। वो तो देखने में लग रहा है काफी सेहतमंद है। ये तोरई और लौकी की अलग अलग प्रजातियां हैं, ये बीज इसके अंदर अभी रखा हुआ सुरक्षित निकाला है नहीं, अंदर है हमारा जी इसके, सुरक्षित है, जी ये तो जी काफी बड़ी हो गई जी लौकी। महाराज जी, ये लगभग 2.5 फीट तक होगी इसकी लंबाई, और ये देसी प्रजाति है, गौरव की बात यह है कि देसी प्रजातियां इतनी कम लंबाई की कम मिलती हैं, हाइब्रिड ज्यादा मिलती हैं, हाइब्रिड लौकी खा रहे हैं हम लोग, और ये ये हमारी देसी देसी लौकी प्रजाति, है, और ये और आदिवासियों द्वारा कलेक्ट की गई थी, आदिवासी भाइयों से इसका बीज मंगाया हुआ था ओ मध्य और प्रदेश ये से तोरी भी ऐसी, जी महाराज जी, ये भी तो रही है।
ये भी काफी करीब, ये बंगलोर से, ये भी करीब दो ढाई फीट की, ये भी है बहन संगीता जी जो बीजों के ऊपर बहुत काम, अच्छा काम कर रही है बेंगलोर में, उन्होंने ये प्रजातियां दी।